अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और इनफैक्ट आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि महामारी के दौरान मेंसेस यानी पीरियड्स के दौरान आपको दर्द क्यों होता है, उसकी क्या वजूहत है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि पेन क्यों होता है ड्यूरिंग मेंसेस। उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक को कहते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया और एक को सेकेंडरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो होता है जिसकी कोई खास वजह नहीं होती, यूट्रस के स्पैज्म कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको पेन होती है, जो कि पीरियड से एक दो दिन पहले स्टार्ट होती है। और जो ही पीरियड आपको स्टार्ट होते हैं, एक दो दिन आपको होगा पतले पेट में दर्द होगा, टांगों में लहरें लगेगी, हल्का हल्का दर्द होगा, लेकिन जो जो पीरियड्स आपको होते जाएंगे वो खत्म होता जाएगा और आपको थ्रू आउट पीरियड्स नहीं रहता। और कुछ लोगों को थोड़ी स्वेयर होता है तो आप वार्म बॉटल जो होती है, वाटर बॉटल होती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी, कहवा, इस तरह की चीजें पुदीने का कहवा बड़ा इफेक्टिव है। अदरक वाली चाय, हम कहते हैं अंडा है जो देसी लोड के होते हैं, अंडा है, हल्दी डाल के फ्राई करके खा सकते हैं। छोटी मोटी पेन किलर देके ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है ना, उसकी कोई स्पेशल बहुत बड़ी वजह होती है जो कि खतरनाक भी साबित हो सकती है और आपकी इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का शिकार भी आप हो सकते हैं उस वजह की। उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि आपको ब्लीडिंग के साथ साथ स्मेली वाटर डिस्चार्ज भी आ रहा होता है, पस आ रही होती है आपको उसके साथ। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो हम 14 डेज का मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ कि आपने ये लेना है, बेशक पीरियड्स के अंदर लें, पीरियड्स के बाद लें, लेकिन उससे आपका इन्फेक्शन बहुत बेहतर हो जाता है। ये बात के बाद होता क्यों है, अगर आपने बीएनसी कराई, कोई आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, कोई प्रोसीजर हुआ, उसमें स्टरलाइज आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं किए गए, सफाई का खास ख्याल नहीं रखा गया, आप अपनी सफाई का ख्याल नहीं रख रहे, इसकी मोस्टली वजह इन चीजों की वजह से हो। फिर आ जाता है जी फाइब्रॉइड्स, यानी कि रसोलियां बचा जाती है, अगर उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाए वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। आप डेली रूटीन की एक्टिविटीज नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ज्यादा स्पैज्म होगा, यूट्रस ज्यादा अकड़ेगा और आपको ज्यादा तकलीफ होगी। उसका एक खास साइज से अगर बहुत ज्यादा साइज बढ़ना शुरू हो जाए तो आप बच्चेदानी, अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपकी एज 30 से अबव है, 35 से अबव है, तो आप निकलवा भी सकते हो। वैसे हम उसमें ट्रांसलैमिक एसिड दे के कुछ अर्से के लिए उसको रोक देते हैं, लेकिन अगर इफेक्टिव नहीं है तो बेहतर होता है कि आप अपना प्रोसीजर करके इसको आउट करें। उसके लिए भी सारी चीजें कैटेगराइज करके देखिए, इसमें मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, आपको बहुत डिटेल से क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं जी एंडोमेट्रियोसिस, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसमें क्या होता है कि जैसे ब्लीडिंग बाहर आ रही है ना मेंसेस, तो अंदर मसल्स में भी ब्लीड होना शुरू हो जाती है, छोटी 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 खून की ना थैली बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाजू का की क्या करती है, इतनी स्क्वेरिटी अख्तियार कर लेती है कि जो जो आपको पीरियड्स होते हैं ना, तो ये ऐसा दर्द होता है कि जो आपका बढ़ता जाता है, और जिस दिन आपको ब्लीडिंग फ्लो ज्यादा होगा उस दिन तकलीफ आपको ज्यादा होती है। थ्रू आउट पीरियड्स ये आपको पेन रहता है, ये वक्त के साथ साथ ठीक नहीं होता। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की जो वजूहत है उनका पेन वक्त के साथ ठीक नहीं होता। हाँ, इंटेंसिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो थ्रू आउट पीरियड्स आपको पेन ही रहता है। एंडोमेट्रियोसिस तो बहुत सीवियर कंडीशन है। बाजू इसकी वजह से क्या होता है कि छोटी छोटी खून की थैली की वजह से आपकी ट्यूबें ब्लॉक हो जाती हैं, आप बांझपन का शिकार हो जाते हो। फिर वो काफी लंबा प्रोसीजर है कि आपकी हम लैप्रोस्कोपी करके देखते हैं कि ट्यूबें काबिल है कि आगे चला जाए, आगे के काबिल है कि ऑपरेशन एक्शन हो सकती है, क्या इतनी बड़ी साइज की तो नहीं है, नहीं तो फिर आपको टाइम नहीं आएगी, फिर इसी रिकमेंड करते हैं। ये चीजें आ जाती है। इसके बाद आ जाती है सर्वाइकल स्टीनोसिस, यानी कि बच्चेदानी का मुंह बंद हो गया है, कमजोर हो गया, तंग हो गया है, उसको क्या करते हैं, हम डायलेट कर लेते हैं, जो कलेक्टेड ब्लड होता है उसको हम निकाल देते हैं। वो किस वजह से होता है, अगर आपको कोई प्रोसीजर हुआ है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, टांके लगे, डीएनसी वगैरह हुई है, इस तरह के केसेस में या एज के साथ ही चीज हो जाती है। लेकिन अगर आपके मेंसेस नहीं बंद हुए और इससे पहले आपको स्टेनोसिस हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। जो जो भी आपके वजह होते हैं, इसका अपना अपना खास ट्रीटमेंट है, लेकिन ज्यादातर जो पेन है उसके लिए हम वार्म बॉटल यूज कर सकते हैं, ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, अदरक की चाय होती है, कहवा होता है, यूज कर सकते हैं, अंडा और उसमें हल्दी डाल के, जैसे मैंने आपको बताया, बॉयल एग्स लोग यूज करते हैं, छोटी मोटी पेन किलर्स ले सकते हैं। बाज को इतना सीवियर कुछ लोगों का हो जाता है कि उनके इंजेक्टिव बल्ब भी लगाए जाते हैं। और होप सो आपको ट्रीटमेंट का काफी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि साथ साथ मैंने आपको जो वजह बताई है उसको छोटा छोटा मैंने डिटेल से आपको ना उसको ट्रीटमेंट भी बता दिया।